तो आज के प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका था कि कौन सी वीडियो मैं आज लेकर आने वाला, मतलब कौन सी प्रोडक्ट इस वीडियो में मैं लेकर आने वाला हूँ। तो रिसेंटली मेरे आंखों में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग गया था, तो मुझे एक ऐसी प्रोडक्ट चाहिए थी, ऐसे चश्मे चाहिए थे जो कि प्रोडक्ट वाइज भी अच्छे हों, प्राइस वाइज भी अच्छे हों और क्वालिटी वाइज भी अच्छे हों। और डिफरेंट वेबसाइट्स पर मैं गया, ऑनलाइन मैंने देखे, ऑनलाइन के अलावा जाके मैंने शॉप्स पर भी देखे। तो उन शॉप्स पे एंड ऑनलाइन पे जो अभी मैंने ऑर्डर किए हैं, इन पे क्या डिफरेंस है दोनों में वो भी आपको बताऊंगा, इनकी प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है वो भी आपको बताऊंगा, और कितनी कीमत में, कितनी प्राइस में मुझे इतनी अच्छी चीज़ या कितनी बुरी चीज़ मिली वो सब कुछ डिस्कस करूंगा मैं आज इस वीडियो में। तो आज की प्रोडक्ट हम यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं जो कि पीच मार्ट की, यहाँ पर हमारे पास चश्मे हैं, मतलब कि चश्मे, खाली वाले चश्मे नहीं यार, आई साइट के लिए, जो कि कंप्यूटर के लिए, जो कि मोबाइल के लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे अगर गुजारते हैं लाइक मेरी तरह, तो आपको ये चीज़ चाहिए होगी। तो दैट्स व्हाई मैंने अपने लिए ढूंढी और सबसे मुनासिब रेट्स में। और अब मुझे जब मैंने ऑर्डर किया ना, तो ऑर्डर करने से पहले मैं लोकल मार्केट में भी गया था, तो मार्केट में मैंने चश्मों की, मतलब के जो आई प्रोटेक्टर हैं लाइक पीसी लैपटॉप के लिए होते हैं, मोबाइल यूजर्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वाले होते हैं, तो ये मैंने प्राइस पता की थी। तो वो प्राइस आगे चल के आपको मैं बताता हूँ क्या प्राइस थी उनमें, मुझे जितनी प्राइस थी पड़े तो वो क्या मुझे दे रहे थे और पीच मार्ट वालों ने मुझे क्या दिया है। तो लेट्स सी, इसे ओपन करते हैं। बाय द वे मैं ऑलरेडी इसको अनबॉक्स कर चुका हूँ, अनबॉक्स करने से करने के एक महीना मैं यूज़ कर भी चुका हूँ, और एक महीना यूज़ करने के बाद में इसकी रिव्यू आपकी तरफ से लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि यार रिव्यू तो वही होता है जो कि सही तरह आप उसको, मतलब कि उसकी जड़ में जाके उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को देखें और देन उसका रिव्यू करें। तो इसको मैंने एक तरह से इसकी जड़ में जाके इसकी चीज़ें देखी हैं और अब इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो पीच मार्ट की अगर बॉक्सिंग की बात की जाए, तो बॉक्स इसका सिंपल इज दैट, काफ़ी अच्छा डिसेंट बॉक्स है। पीच मार्ट की यहाँ पर ब्रांडिंग की गई है, peachmart.com आया हुआ है, और यहाँ पर सोशल मीडिया एंड व्हाट्सएप नंबर गिवन दिया गया, बाकी बॉक्स जो है बिल्कुल एम्प्टी और बिल्कुल खाली है। तो इसको ओपन करते हैं, एंड ओपन करने के बाद हमारे पास पीच मार्ट का कुछ इस तरह का एक प्रोडक्ट हमें यहाँ पर गिवन दी जा रही है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर, मतलब एक बॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें गिवन दी जा रही हैं। और इसको मैं लोकल मार्केट से कंपैरिजन ज़रूर करूँगा, क्योंकि लोकल मार्केट में जो चीज़ें हमें दी जा रही होती, क्या वो हमें पीच मार्ट ने दी हैं या फिर उससे एक्स्ट्रा दी हैं या फिर उससे कम दी हैं, वो चीज़ मैं लाजमी यहाँ पर मैंशन करने वाला हूँ। पीच मार्ट की हम यहाँ पर जो हमारे चश्मे हैं, सिंपल इज दैट हमारे पास ये बॉक्स है, और काफ़ी अच्छा और डिसेंट बॉक्स हमें यहाँ पर गिवन दिया जाता है। बेसिकली ये वुड का एक तरह से हमें फील देता है, बट है ये प्लास्टिक, आई गेस प्लास्टिक है ये, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले ये चीज़ देखी थी और मुझे ये प्लास्टिक ही फील हुआ। तो ऊपर जो इन्होंने लुक दिया हुआ है, फील जो दी हुई है, वो वुड का दिया हुआ है, एंड अंदर जो है वो प्लास्टिक है। क्वालिटी वाइज देखा जाए आउट क्लास यार, ज़बरदस्त किस्म की। हम उसके अलावा बॉक्स में हम और चीज़ें देखते हैं, तो पीच मार्ट का यहाँ पर हमें बिजनेस कार्ड दिया जाता है, उसके अलावा पीच मार्ट के जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, होता है व्हाट्सएप नंबर, सब कुछ यहाँ पर हमें गिवन दिया जाता है। ये तो हो गया पीच मार्ट का कार्ड। उसके अलावा यहाँ पर हमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी जा रही हैं, वो पीच मार्ट का एक ब्रांड किया हुआ, सील किया हुआ एक हमें चश्मे साफ करने वाला लिक्विड दिया गया है, जो कि आम मार्केट में आपको चश्मों के साथ नहीं प्रोवाइड किया जाता। मेंशन में यहाँ पर आप दोबारा करना चाहूँगा कि आम मार्केट में, मतलब लोकल मार्केट में अगर आप सिस्टम के लिए लाइक इस तरह के चश्मे लेते हैं जो कि कंप्यूटर यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक यूज़ करते हैं आप, लाइक मोबाइल यूज़ करते हैं, उसके लिए अगर चश्मे बनवाते हैं आप, उसके साथ आपको ये चीज़ नहीं दी जाती, लिक्विड नहीं दिया जाता उसके साथ। अगर आपने लिक्विड लेना है तो आपको सेपरेटली परचेज करना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट 150 to 200 के आसपास पड़ता है, वो मिनिमम में भी आई थिंक से क्वालिटी होती है। 50 ml का हमें जो स्प्रे है वो दिया जाता है। कुछ चीज़ें बैकग्राउंड पे यहाँ पर लिखी गई हैं, पीच मार्ट का बहुत अच्छा और डिसेंट यहाँ पर ब्रांडिंग की गई है। उसके अलावा अभी यहाँ पर जो हमारे पास है चश्मे डालने की ये चीज़ है, कैसे डालते हैं अभी मैं बताता हूँ।
तो जब मैंने नई नई ये मेरे पास आई थी, तो मैं ये जो चीज़ थी, ये जो इसका बॉक्स था, ये इसके अंदर घुसा रहा था। मुझे नहीं पता था कि यार इसके अंदर ये नहीं घुसना, इसके अंदर चश्मे हम लोग सिंपल इज दैट यहाँ पर इसमें डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं वो बताता हूँ इसको। मैं बॉक्स को बंद करता हूँ और पीच मार जो है वो आपके सामने रखता हूँ। ये हमारा पीच मार्ट आ गया। उसके बाद हमारा ये लिक्विड साइड पर मैं रख देता हूँ। पीच मार्ट का यहाँ पर ब्रांडिंग कार्ड रखता हूँ। आप पीच मार्ट वालों ने मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दिया, जिसकी वजह से मैं आपको ये बड़ा बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार एक चीज़, अगर एक प्लेटफॉर्म हमें कम प्राइस रेंज में या उसी प्राइस रेंज में जो कि लोकल मार्केट में हमें चीज़ मिल रही हो और उससे काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट और ज़्यादा चीज़ें अगर प्रोवाइड करें, तो यार मेरे ख्याल से उस चीज़ को बिना झिझक आप तक पहुंचाना चाहिए और आपको बताना चाहिए ये प्रोडक्ट अच्छी। क्योंकि यार पाकिस्तान में रह के एक अच्छी प्रोडक्ट ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो भी ऑनलाइन। तो दैट्स वाई कि ऑनलाइन जितने भी प्रोडक्ट्स मैं परचेस करता हूँ और मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है और प्रोडक्ट के लिहाज से क्वालिटी वाइज अगर वो अच्छी होती है, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी चीज़ें शेयर आउट की हैं विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप, क्योंकि यार स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए। अगर चीज़ वो अच्छी है, आप अगर मुझे चीज़ अच्छी लग रही है, तो मेरा काम बनता है कि मैं आप तक पहुँचाऊँ और आप आगे उस चीज़ को परचेज कर सकते हैं। क्योंकि यार बताना, और क्योंकि ऑनलाइन मार्केट में बहुत से लोग जो हैं वो ट्रस्ट अभी भी नहीं करते, तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि यार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ट्रस्ट करने के लायक नहीं होती। लोगों जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्टार्टिंग में मैं भी ऐसा था कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे शॉपिंग करने के। बहुत मुश्किल से अगर मैं चीज़ के पैसे बचा कर अगर शॉपिंग वो चीज़ करता था, अगर वो चीज़ अच्छी नहीं निकलती, तो यार बहुत बैड फील होता था और मेरा जो ट्रस्ट था वो टूट जाता था। तो अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल सेम से मेरे जैसे ही हैं, जो कि मैं पहले हुआ करता था। अब है थोड़ी ये माइंड सेट जो है वो खुल चुका है, क्योंकि अब मुझे पता है कि ये अगर ब्रांडिंग करें अपने, तो जाहिर सी बात है अपनी ब्रांड को खतरा नहीं लाहक होने देंगे, अपनी चीज़ को गिराएंगे नहीं, क्वालिटी वाइज अच्छी देंगे, तो तभी ये लोग बिजनेस में रहेंगे। अगर नहीं रहेंगे, ऑनलाइन दौर है, एक नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही, तो ऊपर से बदनामी इस पीच मार्ट की सेपरेट हो गई। तो अब हम अपने चश्मे जो है हमारे पीच मार्ट के बॉक्स के अंदर है, उसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या यार इस पीच मार्ट के अंदर कौन से ग्लासेस हमारे गिवन दिए गए। प्रीवियस वीडियो में लगा के पहन के चेक भी करवा चुका हूँ आपको कि कितने डिसेंट लुक उनकी आती है। तो यहाँ पर पीच मार्ट की बॉक्स हम ओपन करते हैं, तो पीच मार्ट का हमें यहाँ पर अगेन जिससे हम चश्मे साफ करते हैं वो गिवन दिया जाता है। उसके अंदर हमारे यहाँ पर चश्मे हैं जो कि बहुत अच्छी तरह पैक किए जाते हैं। ये तो मैंने खुद रीपैक किए हैं, पैकिंग इनकी भी कुछ इसी तरह होती है। तो ये हमें चश्मे साफ करने के लिए जो हमें यहाँ पर लाइक इस से प्रोवाइड किए जाते हैं, आप इनको अपने चश्मों को इजीली साफ कर सकते हैं। अगर स्प्रे वगैरह आपने करना है तो तब भी आप इजीली इसको यहाँ से स्प्रे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं प्रोडक्ट की यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि इनकी जो प्रोडक्ट है बिल्कुल लाइट वेट प्रोडक्ट है यार, बिल्कुल लाइट वेट प्रोडक्ट है। एक तो होती है कि हैवी चश्मे होते हैं, आपके कान जो होते हैं बिल्कुल थक जाते हैं और बिल्कुल आपकी जो ये वाली जगह होती हैं ऐसे बाउंड हो जाती हैं और इनके आपके यहाँ पर जो कान होते हैं इनके भी निशान पड़ जाते हैं। बट ये जो प्रोडक्ट है बिल्कुल एक तरह से कह दें कि लूज प्रोडक्ट है। लूज प्रोडक्ट हो के भी आपके जो कान है इनको दर्द एक तो नहीं करती, पेन नहीं करती। प्लस पॉइंट इसका ये है, और ऊपर से लाइट वेट है, लाइट वेट है, प्लस पॉइंट इसका ये भी है। उसके अलावा डिसेंट क्वालिटी यार, अगर यही चीज जो है ना, अगर आप लोकल मार्केट से परचेज करते हैं, आपको 1800 to 2000 rupees की मिलने वाली है। अगर जानने वाला है कोई तो चले 1500 की आपको दे देगा, इससे नीचे नहीं देगा। 1500 to 2000 की ऑलमोस्ट आपको हर मार्केट से मिलती है, क्योंकि यार मैं सर्च आउट कर चुका हूँ। सर्च आउट करने के बाद ये रिव्यू मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। और मज़े की बात यह है कि आपको जो 2000 and 1500 के आसपास जो मिलती है, आपको जस्ट 3 चीज़ें मिलती हैं, आपके चश्मे, ये जो साफ करने वाली होती है, और ये आपको मिलता है। और मज़े की बात यह है कि हर जो शॉपकीपर होता है आपको डिफरेंट चीज़ में मतलब डाल के देता है, अलग अलग उनकी क्वालिटीज़ होती हैं। लाइक कुछ तो इतना बुरा प्लास्टिक में डाल के देते हैं, ऑलरेडी
मैंने चश्मे परचेज किए थे उसकी प्लास्टिक वाली जो कोटिंग है मेरे पास पड़ी, और बड़ी ही घटिया किस्म की प्लास्टिक कोटिंग उन्होंने की थी। कंपेयर टू दिस प्लास्टिक कोटिंग यार एक्सट्रीम क्वालिटी है ये, दिखने में ही अगर आपको देखें तो एक प्रीमियम लुक देती है, प्रीमियम लुक पीच मार्ट का देती है, और ज़बरदस्त स्क्रीन ग्लासेस का मतलब कि मैं कहना चाहूँगा कि वेबसाइट है जहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा पीच मार्ट की आप वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे, लाइक डिफरेंट प्रोडक्ट्स बार बार मुंह पे आ जाता है क्योंकि यार अनबॉक्सिंग करता रहूँ तो और प्रोडक्ट्स आती हैं। तो आप जैसे पीच मार्ट की वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ पर आपको डिफरेंट चश्मे मतलब डिफरेंट स्क्रीन ग्लासेस देखने को मिलेंगे, और कुछ सस्ते मिलेंगे, कुछ महंगे मिलेंगे, और डिफरेंट काइंड ऑफ जो स्क्रीन ग्लासेस हैं या फिर सन ग्लासेस वगैरह वो सब कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब प्राइस रेंज की बात करते हैं कि मैंने ये कितनी प्राइस रेंज में मंगवाए हैं तो आपको कितने के ये मिलेंगे। आएगा सब मुझे कंफर्म याद नहीं क्योंकि यार एक महीना हो गया और मैंने ये मंगवाई थी और इसका जो बिल वगैरह था वो भी सब फेंक दिया है, तो अब मुझे इसकी प्राइस जो है वो याद नहीं आ रही। बट इसकी जो प्राइस रेंज है मैंने जो इसमें परचेस किया था वो ऑलमोस्ट 1200 टू 1500 के आसपास मैंने परचेस किया था ये। अब मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा यार कि मैं भूल गया हूँ, बट इसी प्राइस रेंज में ये चीज़ अवेलेबल मिल रही थी तो ये मैंने ले ली थी। अब खैर महंगा हो गया होगा क्योंकि यार डॉलर का रेट जो है आपको पता ही है काफ़ी ऊपर जा चुका है, और उस लिहाज से प्रोडक्ट भी हैं वो महंगी हो जाएंगी या फिर हो गई होंगी, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने एक से डेढ़ महीना पहले ये चीज़ परचेज की थी और अब एक महीना या डेढ़ महीना ज़्यादा हो चुका है, तो हो सकता है इन चीज़ों की प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी ज़्यादा हो गई हो। बाय द वे प्रोडक्ट के लिहाज से 100% सेटिस्फेक्शन है मुझे, किसी किस्म का मुझे डाउट नहीं है, क्योंकि चश्मे की जो क्वालिटी है यहाँ पर हमें आउट क्लास दी गई है। एक तो होता है कि यार झुक झुक के बंदा बोल रहा है यार इसकी चीज़ सच में ऐसी है भी है, यानी प्लास्टिक क्वालिटी देखी जाए इसकी, चश्मों की बात की जाए, इनकी स्टेबलाइजेशन की बात की जाए जो कि आप पीछे की तरफ जितनी मर्जी ले जाएं, और चश्मे आप जब लगाते हैं उसकी लुक की बात की जाए एक्सट्रीम लेवल की है यार, हर तरह से एक्सट्रीम लेवल की है। अगर आप शॉप से परचेज करते हैं तो इसको मैं पहन भी लेता हूँ, काफ़ी अच्छा एक लुक प्रोवाइड कर रही होती है। अगर आप शॉप से ये चीज़ परचेज करते हैं तो आपको 1500 से 2000 के आसपास मिलती है, और ये मिलता है, और कोई कोई प्लास्टिक देता है और बड़ी घटिया किस्म की प्लास्टिक में डाल के देते हैं, और ये चीज़ और चश्मे मिलता है, और चश्मे जो आप वहाँ पर देखते हैं आपको अपनी मर्जी से देखने को मिलते हैं, और डिफरेंट क्वालिटीज़ के चश्मे होते हैं, कोई फ्रेम सेपरेट होती है, और जो आपका ग्लासेस होती हैं सेपरेट होते हैं, तो इनकी अलग अलग प्राइस आपको देखने को लोकल मार्केट में मिलती है, जो कि आई थिंक सो ग्लासेस की कीमत वो लोग बताते हैं 100 to 1200 रुपीज़, और जो ग्लासेस की ये जो फ्रेम होती है ये भी डिफरेंट रेट्स की होती है, लाइक आप 500 से अबव स्टार्ट होती है, और 800 और 600 डिफरेंट होती है। अगर आप 1200 की ग्लासेस भी अंदर से लेते हैं एंड 500 की भी फ्रेम होती है तो ये 1600 to 1700 रुपीज़ बन जाता है, और उसके अंदर अगर आप ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप और चीज़ देखना चाहें तो किसी जगह पर चला जाता है। और मज़े की बात यह है कि आपको जस्ट ग्लासेस मिलती हैं, ये बॉक्स मिलता है प्लास्टिक वाला कोई देते हैं, और बड़े घटिया किस्म भी देते हैं, और कोई तो इसी में डाल के दे देते हैं, ये देते हैं चश्मे इसमें होते हैं, और ये कोई दे देते हैं, और कुछ प्लास्टिक जिनका बड़ा मतलब कि कुछ पब्लिकली मतलब लोकल सतह पे थोड़ा उनका नाम हो तो प्लास्टिक ऐसा का एक बॉक्स बना लेते हैं उसमें डाल के दे देते हैं आपको। बट पीच मार्ट का मैं मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो ये चीज़ अच्छी लगी क्योंकि यार पीच मार्ट उसी रेंज में उसी मार्केट रेंज में एक तो एक्सट्रीम लेवल की चीज़ दे रहा है, ग्लासेस उसी रेंज में दे रहा है, साथ में एक्स्ट्रा जो दे रहा है वो ये भी दे रहा है। मैं तो इसको एक्स्ट्रा ही लगाऊंगा क्योंकि हर कोई ये चीज़ आपको ग्लासेस में नहीं दे रहा होता, ज़्यादातर दे भी रहे होते हैं बट नहीं भी दे रहे होते हैं, उनकी डिपेंड करता है कि उनकी शॉप कितनी अच्छी है और ये कितने का में कैसे बनवा रहे हैं, प्लास्टिक का बनवा रहे हैं जो भी बनवा रहे हैं, बट यहाँ पर पीच मार्ट का यार मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके अलावा आपको सेपरेटली ये चीज़ दे रहे हैं जो कि लोकली या तो ये देते हैं या फिर ये देते हैं, दोनों आपको नहीं दे रहे होते। उसके अलावा एक चीज़ और जो कि आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर जो लेंस क्लीनर स्प्रे है ये आपको लोकल मार्केट में कोई भी नहीं देता। इसकी खासियत ये है पीच मार्ट वालों की कि ये आपको साथ में फ्री दे रहे होते हैं,
और विद डिलीवरी मुझे 1600-1700 के आसपास पड़ जाते हैं, ये यहाँ पर पड़े थे। और 1700 के आसपास अगर ये चीज़ें सब मुझे मिल रही है यार, मैं खुद से पूछूँ ये 100% सेटिस्फेक्शन है इस चीज़ को लेने के बाद, यूज़ करने के बाद, लाइट वेट अच्छा है, मैं आप सब कुछ आपको बता भी चुका हूँ, और ओवरऑल ये चीज़ बेस्ट है। अगर आपने परचेज करनी है तो यार आंखें बंद करके आप परचेज कर सकते हो, ट्रस्ट करके इन चीज़ इन इनकी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट सच में ही अच्छी है। मार्केटिंग में नहीं करा है इनकी, क्योंकि ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है और ये अच्छी चीज़ दे रहे हैं, तो इनको मैं आगे अपने चैनल पर भी उनको लेकर आ रहा हूँ। और भी अगर मुझे जिन जिन की जो भी चीज़ अच्छी लगी तो मैं उनको प्रमोट करूँगा अपने चैनल पे विदाउट स्पॉन्सर या विदाउट कुछ पैसे लिए, जो कि लोग स्पॉन्सर वगैरह स्पॉन्सरशिप करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, होप सो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर तो मेरे चश्मे मुझे अच्छी लगे वीडियो में, जो कि एडिट करूंगा देखूंगा, तो नेक्स्ट वीडियोस में से मैं चश्मे पहनना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि यार अगर लुक अच्छी लगे तो सारी पैसे ही लुक के हैं ना। तो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, लंबी जरूर हुई है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो उसमें दी है वो आपको पसंद आनी चाहिए, और इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में आपने ये चीज़ रखनी है कि लोकल मार्केट और ऑनलाइन मार्केट जो कि ट्रस्ट नहीं करते लोग, उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है। अब हर ऑनलाइन मार्केट भी आपको ये चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही होती, हर ऑनलाइन मार्केट भी होती है वो 100% सेटिस्फेक्शन नहीं आपको देती, बट जो देती है वो ये आजकल की दुनिया में समझे कि यार टॉप रैंकिंग वेबसाइट है। तो ये थी आज की वीडियो, होप सो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियोस में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं लाता रहूँगा, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।